हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहली वीडियो में अपन ने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, शेड्यूल वगैरह सब देख लिया है। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको इधर आई कार्ड में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड से। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड अपन पहले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? कोई भी डिमांड जो कोई इंडिविजुअल के द्वारा हो, कि मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, एक सिंगल पर्सन कोई भी डिमांड कर रहा है किसमें, मार्केट में, तो वो क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड होगी। डेफिनेशन देख लो एक बार। इंडिविजुअल डिमांड कैन बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अपन ने कल देखा था कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, कोई भी डिमांड करता है, तो वो क्या है? डिमांड है। तो इंडिविजुअल की डिमांड भी क्या है? सेम है। ठीक है, कि कोई डिमांड कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है किसकी, किसी की प्रोडक्ट की, किस पे? एट ए पर्टिकुलर प्राइस पे और एट ए गिवन टाइम पे। ये क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। और मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफिक प्राइस, अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। मतलब ये क्या कह रहा है? किसी भी इंडिविजुअल की टोटल, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल जो होंगे जो वो डिमांड करेंगे किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, वो क्या हो जाएगी? मार्केट डिमांड। मतलब टोटल डिमांड कितनी है? एग्रीगेट का अपन ने मीन देख रखा है। एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल डिमांड क्या होगी वो किससे? बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला करके पता चलेगी अपन को। इसका मैं आपको ग्राफ और शेड्यूल बना करके बताता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले अपन इसका बनाते हैं शेड्यूल। ठीक है, पेन चेंज करता हूं मैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन यूनिट, फिर अपन लिखते हैं प्राइस, फिर क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी और मार्केट डिमांड। ठीक है, यूनिट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। पेन चेंज करता हूँ, प्राइस लिख लेते हैं अपन। जब 10 रुपीज़ थी इसकी प्राइस, तब क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहा था? ए पर्सन मान लो 7 डिमांड कर रहा है, बी कितनी कर रहा है? 9 कर रहा है, और सी कितनी कर रहा है? 12 कर रहा है। ठीक है, जैसे इसकी प्राइस बढ़ी, 12 रुपीज़ हो गई, तो 7 ने डिमांड कितनी कर दी? कम कर दी, क्योंकि अपन को पता है जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो वैसे क्या करती है? डिमांड कम हो जाती है। 7 की जगह कितनी करने लग गया? ये 6 करने लग गया। इसने 7 कर दी और इसने 10 कर दी। फिर जैसे ही प्राइस और बढ़ी, 15 हो गई, वैसे इसने कितनी कर दी? 5 कर दी। इसने कितनी कर दी? 6 कर दी। इसने कितनी कर दी? 8 कर दी। प्राइस हो गई 17, इसने कर दी 4, इसने कर दी 5, इसने कर दी 6, 19 हो गई, तब इसने कितनी कर दी? 2 कर दी। इसने कितनी कर दी? 3 कर दी। इसने कितनी कर दी? 4 कर दी। अब लास्ट 20 रुपीज़ हो गई, तो इसने क्या कर दी? और कम प्राइस कर दी 1। इसने कितनी कर दी? 2। और इसने कितनी कर दी? 2। तो अब ये सब क्या हो गई? इंडिविजुअल की डिमांड हो गई, ए की, बी की और सी की। अब मार्केट डिमांड पे अपन ने क्या देखा?
टोटल इंडिविजुअल की डिमांड क्या होती है। तो इसको मैं बताता हूँ कि टोटल डिमांड यानी सब पर्सन की डिमांड 7 + 9 + 12 कितना हो जाता है, कितनी हो गई है 28। यहाँ पे कितनी हो गई 6 + 7 + 10 कितनी हो गई 23। फिर 5 + 6 + 8 कितनी हो गई 19। 4 + 5 + 6 कितनी हो गई 15। 2 + 3 + 4 कितनी हो गई 9। फिर 1 + 2 + 2 कितनी हो गई 5। तो ये क्या है 28, 23, 19, 15, 9 और 5 ये सब क्या है मार्केट डिमांड है। मतलब ये क्या है इंडिविजुअल की डिमांड को अगर अपन प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगी अपनी मार्केट डिमांड आ जाएगी। ठीक है, अब इसका बनाते हैं अपन ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं, ये एक 2, 3 और ये 4th। ठीक है, ये किसकी है, ए की है, ये बी की, ये सी की और ये मार्केट डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन ऐसे मान लेते हैं ये डिमांड था किसका, ए का था, ये डिमांड बी की थी, ये सी की। तो इन सबको अगर अपन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी अपनी मार्केट डिमांड हो जाएगी। ये थोड़ी और आगे बनेगी इससे, ये क्या हो जाएगी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड जब अपन ए को बी को और सी को जब अपन प्लस करेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी मार्केट डिमांड आ जाएगी। ये ऐसे बनता है इसका ग्राफ और ये हो गया शेड्यूल। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट अपन चलते हैं रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये चेंज इन इनकम नहीं होता है, ये चेंज इन रियल इनकम होता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या खरीद रहा है, 5 स्टार खरीद रहा है। ठीक है, वो 5 स्टार खरीद रहा है, उसको कितने में मिल रही थी, 10 रुपीज़ में मिल रही थी। ठीक है, तो वो कितनी खरीदता था, × 10 खरीदता था, मतलब 10 खरीदता था, कितने की हो गई 100 रुपीज़ की हो गई। ठीक है, अब क्या होता है प्राइस ऑफ 5 स्टार चेंज हो जाती है, कितनी हो जाती है 9 हो जाती है। तो अगर अभी वो 10 खरीदता है तो कितनी की आ जाएगी 90 रुपीज़ की आ जाएगी, तो उसकी रियल इनकम में चेंज हो गया है ना। मतलब उतनी की उतनी क्वांटिटी वो कितने कम पैसों में बाय कर सकता है, तो उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई, मतलब 10 रुपीज़ उसके पास बच गए, तो उससे वो क्या कर सकता है एडिशनल यूनिट ऑफ 5 स्टार बाय कर सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है चेंज इन रियल इनकम हो जाती है इनकम इफेक्ट में। कि जैसे अगर किसी की प्राइस कम हो गई तो वो उसी गुड्स को ज़्यादा परचेज कर सकता है, और अगर प्राइस ऑफ वो कमोडिटी बढ़ गई तो वो क्या करेगा उसको ही कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, बाकी प्राइस ऑफ गुड्स में चेंज आ रहा है, जिससे उसकी क्या रियल इनकम पे क्या हो रहा है इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है इनकम इफेक्ट, प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा करेगा और प्राइस ज़्यादा होने से क्या करेगा डिमांड डिक्रीज कर देगा, इससे रियल इनकम इफेक्ट पड़ेगा। अब अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। अपन ने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है, अपन ने देख रखा है एक होती है टी, एक हो गई
कॉफ़ी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, मतलब इसकी जगह अपन ये कंज्यूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल टी है एक्स गुड, कॉफ़ी है वाई गुड। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होता है कि अपने कॉफ़ी पे या फिर सब्सटीट्यूट गुड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे टी की सब्सटीट्यूट क्या है, कॉफ़ी है, मतलब टी की जगह अपन कॉफ़ी पी सकते हैं, तो कॉफ़ी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा, ओनली टी पे फर्क पड़ेगा। और क्या होता है, अगर टी की प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर टी की प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की बढ़ जाएगी। ओके, और अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा, डिमांड ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझे, ये है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किस पर पड़ता है, उसकी मेन कमोडिटी पर पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो जाता है। अब एडिशनल कस्टमर, एडिशनल कस्टमर क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, गर्मी चल रही है, तो फॉर एग्जाम्पल एसी है, एसी की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एसी की प्राइस हो जाती है 2K, मतलब 2000 के अंदर एसी आ रहा है। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले, बाकी अब क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, न्यू कंज्यूमर, न्यू कस्टमर भी क्या हो जाएंगे, उसको खरीदने के लिए चले जाएंगे कि नहीं हम एसी अफोर्ड कर सकते हैं अब। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हुई, कम हो गई, उससे क्या हो गया, एडिशनल कस्टमर आ गए। और जो ऐसे कस्टमर थे जिनके पास था एसी या फिर वो खरीद सकते थे एसी, वो भी क्या करेंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो एडिशनल कस्टमर मतलब ये होता है कि किसी भी गुड्स की प्राइस कम होने की वजह से जो एडिशनल कस्टमर है वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा कस्टमर भी आ जाते हैं जो उसको पहले वाली प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर है जो उसको अफोर्ड कर सकते थे पहले, बाकी वो अब नहीं कर सकते, तो वो भी क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे कि बात छोड़ो, मेरे को तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंट यूजेस। अब कोई कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है, मिल्क, उसके बहुत सारे यूज है। जैसे मिल्क से क्या बन सकता है, पनीर बन सकता है, और क्या बनता है, चीज, और क्या बनती है, घी, कर्ड, ये सारी चीजें क्या है, दूध से बन सकती है, मिल्क से बन सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ मिल्क अगर बढ़ जाती है तो इन सारी चीज़ों को जो बना रहा होगा वो क्या करेगा, इसको बनाना कम कर देगा। क्यों, क्योंकि पीपल डिमांड नहीं करेंगे उसकी। अपने देखा है जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाती है तो पीपल क्या करते हैं, उसकी उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वो दूसरी चीज़ों को बनाना कम कर देगा। और जैसे ही अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे जने क्या करेंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो वो क्या बनाना स्टार्ट, उसको ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर देगा। अब आता है लास्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको अपन ने पहले वाली वीडियो में भी समझा रखा है, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे जैसे अपन किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते रहते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, कम होती रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड अगर ज़्यादा आ रही है प्राइस से, तो पर्सन क्या करेगा, उसके कंजम्पशन जब तक इंक्रीज रखेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इसके बराबर नहीं हो जाए, प्राइस के बराबर नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, आप एक पिज़्ज़ा खा रहे हो, आपने पिज़्ज़ा खाया 100 रुपीज़ का, बाकी आपको खा के लगा अरे यार ये तो 500 रुपीज़ के बराबर है, तो आप क्या करोगे, उसको खाना रेगुलर रखोगे, मतलब रेगुलर खाते जाओगे। कब तक खाते जाओगे, जब तक आपको उस पिज़्ज़ा से मिलने वाली यूटिलिटी किसके बराबर नहीं हो जाए, 100 के बराबर नहीं हो जाए, तब तक आप उसको कंजप्शन ज़्यादा रखोगे। ठीक है, और जैसे ही उससे कम होगी वैसे ही आप क्या करोगे, उसको कंज्यूम करना बंद कर दोगे या कम कर दोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में अपन ने देखा था जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ती है उससे क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है, तो ये रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ रही है फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं क्या, तो अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम है बाकी फिर भी उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं, लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो किस किस केस में हो सकता है, गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू, मतलब गुड्स क्या है, जिनकी प्रेस्टीज वैल्यू है, मतलब जिनके नाम की वैल्यू है, वो क्या दिखाते हैं, एज ए शो करते हैं, एज ए रिच पर्सन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईफोन हो गया, आईफोन क्या है, उसकी जो रियल वैल्यू है, मतलब जितने
प्राइस में वो बनता है उससे क्या महंगा बिकता है, तो बाकी फिर भी लोग लेते हैं उसकी डिमांड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसको क्या दिखाते हैं, प्रेस्टीज वैल्यू दिखाते हैं उससे। प्रेस्टीज वैल्यू मतलब वो दिखाते हैं कि हम अमीर है तो आईफोन क्या हो गए एज ए प्रेस्टीजियस गुड हो गया, कि मतलब जो अमीर है वो ही लेते हैं, ठीक है, और जिनको दिखाना है कि हम अमीर है वो शो करने के लिए लेते हैं। अब एक आता है गिफन गुड। गिफन गुड क्या होता है, जैसे इनकी प्राइस बढ़ेगी तो पर्सन क्या करेगा, इसकी डिमांड भी इंक्रीज कर देगा, और जैसे इसकी प्राइस कम होगी वैसे ही क्या करेगी, डिमांड कम हो जाएगी। ये गिफन गुड्स होते हैं, ठीक है, तो इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता और ना ही आईफोन पे करता है, मतलब ऐसे गुड्स पे जो प्रेस्टीज वैल्यू देते हैं। अब थर्ड क्या देती है, चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, मतलब पीपल्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है किसी गुड से। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसने न्यूज़ पे देखा कि कल से पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे और आज तक सेम है, कल से कितने बढ़ जाएंगे, 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, तो वो सोचेगा यार मेरे को अभी 5-10 दिन तक पेट्रोल भराने की ज़रूरत तो नहीं थी। बाकी वो क्या करेगा, सारी गाड़ियाँ उठाएगा, पेट्रोल पंप जाएगा और सब में पेट्रोल टंकी फुल करा लेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कल से प्राइस बढ़ने वाली है। अभी हाल फिलहाल प्राइस तो बढ़ी नहीं है, कल से बढ़ेगी, बाकी उसने क्या कर दी, डिमांड आज से इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पे भी क्या लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आता है इग्नोरेंस, ये क्या पॉइंट है, इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जा रहा है मार्केट में जीन्स खरीदने, ठीक है, उसको आइडिया नहीं है जीन्स कितने में मिलती है, मतलब कोई कंपनी है लिविस की, मान लो लिविस की जीन्स ले रहा है कोई पर्सन, उसको पता नहीं है लिविस की जीन्स कितने में मिलती है, तो वो क्या गया शॉप पे गया, उसने कहा मेरे को एक जीन्स चाहिए लिविस की चाहिए, तो उस दुकानदार ने सोचा कि यार इसको पता है नहीं पता है, मैं इसको महंगे में बेचने की कोशिश करता हूँ, तो उसने दिखाई उसको जीन्स, उसको पसंद आ गई, उसकी रियल वैल्यू क्या थी, मान लो 2K थी, बाकी उसने सेल कितने में कर दी, उसको 5K में सेल कर दी कि नहीं नहीं लिविस की तो महंगी आती है वगैरह, ऐसे करके सेल कर दी। तो उस पर्सन को पता नहीं है उसकी प्राइस क्या होती है, ठीक है, तो उस इग्नोरेंस की वजह से वो क्या कर देता है, उसकी डिमांड भी कर देता है क्योंकि उसको पता नहीं है। यहाँ पे भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर पाता है। अब एक बात आ जाती है फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी अपन देख रहे हैं गर्मी है और बारिश आ गई, ठीक है, अब बारिश आने से क्या हो गया, जो खेत में जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है, तो लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार फ्यूचर में फूड ग्रेन्स की प्राइस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, तो अपन क्या करते हैं आज ही इसका कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं, तो पीपल लोग क्या करेंगे, एक ही साथ सारी जो भी उनको फूड ग्रेन्स की ज़रूरत थी वो क्या करेंगे, एक ही साथ खरीद लेंगे और घर में रख लेंगे, ठीक है, तो प्राइस तो अभी नहीं बढ़ी, प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली थी ऐसा उनको क्या था, अनुमान था, तो उन्होंने क्या किया आज इकट्ठा कर लिया, और प्राइस क्यों बढ़ती, क्योंकि फूड ग्रेन्स खराब होने की वजह से क्या हो गए थे, शॉर्ट हो गए थे, कि मतलब ज़्यादा फूड ग्रेन्स नहीं मिल सकते उससे उनकी प्राइस बढ़ जाती, तो फियर ऑफ शॉर्टेज की वजह से उन्होंने क्या किया, अभी ही इकट्ठा कर लिया कि बाद में मिले नहीं मिले, ठीक है। फैशन रिलेटेड गुड्स, अब फैशन रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल ओवरसाइज कपड़े पहनने के ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो अभी पता चला कि यार ओवरसाइज कपड़े पहनने चाहिए अच्छे लगते हैं वगैरह, तो पीपल ने क्या किया उसकी डिमांड इंक्रीज कर दी, ठीक है, अभी फैशन में चल रहा है तो उन्होंने क्या कर दी, डिमांड इंक्रीज कर दी कि नहीं ओवरसाइज पहनने हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्राइस भले ही बढ़ रही हो कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग क्या कहते हैं फैशन के साथ चलना है, तो वो क्या करेंगे ओवरसाइज टी शर्ट लेंगे या फिर जो भी मार्केट में नई चीज़ है फैशन में चल रही है उसको लेंगे, भले प्राइस कुछ भी हो, इसमें भी क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। एक आ जाती है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है उसके लग गई चोट लग गई तो वो क्या किया हॉस्पिटल गया, ठीक है, हॉस्पिटल गया उसने देखा अरे यार दवाई की प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी है, बाकी अब उसको इलाज करवाना है तो उसको क्या करना खरीदना पड़ेगा, जैसे क्या हुआ था जैसे कोरोना में होता क्या हुआ था कि जैसे पीपल बीमार तो पड़ रहे हैं दवाइयों की नीड बहुत ज़्यादा है, बाकी लोगों ने क्या किया उनकी प्राइस बढ़ा दी, बाकी लोगों को लेनी तो पड़ी ना वो चीज़, तो यहाँ पे क्या हुआ लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं किया, ऐसा थोड़ी कर सकते थे कि अपन लेंगे नहीं वाह प्राइस बढ़ गई तो हमको लेना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ये क्या है अपनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ की कि अपन को लेनी ही पड़ेगी किसी ठीक होना है तो, ठीक है।
लास्ट आ जाता है चेंज इन वेदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्मी है, गर्मी में लोग किसकी डिमांड करते हैं, कूलर, एसी, फैन वगैरह, इन सब की डिमांड ज़्यादा करते हैं और ऐसी चीज़ को कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गई, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम भी क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। जैसे बारिश आ गई, बारिश में इंसान क्या करेगा, रेनकोट की डिमांड इंक्रीज़ कर देगा, अम्ब्रेला की डिमांड इंक्रीज़ कर देगा, और ठंड में क्या करेगा, वो स्वेटर्स वगैरह की डिमांड इंक्रीज़ कर देगा और गर्म फूड्स की डिमांड इंक्रीज़ कर देगा। ऐसे वेदर के हिसाब से भी क्या होती है, डिमांड चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड क्या होती है। फिर अपन ने क्या बनाया, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का क्या बनाया, मार्केट का क्या बनाया, शेड्यूल बनाया। फिर अपन ने क्या बनाया, इसका ग्राफ बनाया। फिर अपन ने क्या देखा, रीजंस, लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या रीजंस होते हैं। फिर अपन ने देखा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज की वीडियो में पढ़ ली। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।